हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने जैसा कि मैं जब कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में बता रही थी, उसी टाइम मैं आपको बताई थी कि झारखंड में शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली है। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, शिक्षा विभाग में वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि पेपर में आउट हुआ था कि इसका वैकेंसी आ गया है, उसके बाद भी वहाँ पे कुछ डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। तो इसमें मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है कि कितने फ़ीस लग रहे हैं, क्या हमारा एजुकेशन होना चाहिए, फिर इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय का जो मेरिट लिस्ट आ रहा है और उसमें जिनका सिलेक्शन हो गया है, मेरिट लिस्ट में नाम है, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, चाहे अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और इंस्टा पे फॉलो करके मुझे बताइए, तो वो प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए लेट ना करते हुए ये मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड में जो है शिक्षा विभाग में वैकेंसी यानी कि JEE PSC का रिक्वायरमेंट आया है। तो चलिए लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि झारखंड JEE PSC रिक्वायरमेंट 2021 यानी कि आपका झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, इसमें वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट आपका 68 है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jepc.jharkhand.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए भी निकाली गई हैं, जिसमें आपको जितने भी यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं उसमें टोटल आपका जो है एज लिमिट होना चाहिए 21 to 35। और यहाँ पे एक्सपर्ट एमआईएस के लिए भी पोस्ट निकाली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए भी, असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपका है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इस तरीके से अपना जो है पोस्ट देख सकते हो कि किसके लिए आप एलिजिबल हो, उसी के लिए आप फॉर्म फिलअप करना। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इसमें जो है हमारा फ़ी कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर हम पोस्ट के नेम वाइज बताते हैं कि किसमें कितना एजुकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर इन कॉमर्स विथ मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आप बीकॉम होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट MIS में क्या हमारा एजुकेशन होना चाहिए, उसमें आप MCA विथ PC इन कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए, BE BTech इन कंप्यूटर अगर आपका होता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और मैनेजर के लिए आपका मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, यानी कि आप। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पर बात आता है अकाउंट ऑफिसर के लिए, यहाँ पर भी हमारा आता है बैचलर इन कॉमर्स विथ 55% मार्क्स के साथ। तो इसमें भी आपका सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन हो, बीकॉम होना चाहिए हुआ, यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, तो यहाँ पे BCA विथ PG इन कंप्यूटर, MCA, MIT, BE, BTech अगर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है हमारे लास्ट पोस्ट की, तो यहाँ पर हमारा लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए वो BCA होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए, उसके साथ साथ 1 ईयर PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जैसे जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बताते हैं फ़ी कितना है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं एक्सपर्ट MIS के लिए 1000 रुपये लग रहे हैं, उसके बाद अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 500 लग रहे हैं, SC ST कैंडिडेट के लिए एक्सपर्ट MIS के लिए 500 रुपये लग रहे हैं,
और यहाँ पे ऑल पोस्ट के लिए SC ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लग रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें हमारी सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए 33,145 होगी। उसके बाद एक्सपर्ट MIS के लिए सेम वही 33,145 ही होगा सैलरी। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 48,596 होगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर के लिए 33,145 ही होगा। अकाउंट ऑफिसर के लिए 33,145 ही होगा। उसके बाद बात आती है कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 28,447 होगा। अब यहाँ पे असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 26,404 होगा। तो हमारा जो सैलरी है बहुत ही अच्छा है और ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। जल्दी से जल्दी अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे मैं जाकर आते फिर से मैं बता देती हूँ कि jepc.jharkhand.gov.in पे जाके आप इसे सर्च कर सकते हो। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसका मैं बता देती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट डेट है इसका 23 नवंबर 2021 को ये पेपर में आउट कर दिया गया था और इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2021 को। और अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।